नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्वा कीटो सोप के बारे में। इस साबुन के फ़ायदे, इसके नुकसान और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, एक्वा कीटो सोप आता है अजंता कंपनी का और ये एक मेडिकेटेड सोप है। जैसे कि नॉर्मल सोप आते हैं, आप उनसे रेगुलर नहाते हो, तो इससे रेगुलर नहीं नहाना होता है, ये नॉर्मल साबुन नहीं होता है। जब आपके डॉक्टर आपको बताएंगे तभी इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें जो सॉल्ट है वो है कीटोकोनाजोल IP 1%, और ये एक एंटी फंगल एंड एंटी डेंड्रफ साबुन है। इसका जो MRP है वो होता है 98 रुपये 50 पैसे, लेकिन ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो थोड़ा आपको कम रेट में मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग एंटी फंगल यानी कि दाद, खाज, खुजली, जांघों के बीच की दाद, खाज, खुजली और खुजलीदार लाल चकत्ते, अगर आपके पूरे शरीर में खुजली हो रही है तो इसी साबुन से जो है डॉक्टर आपको बताएंगे कि नहाना है आपने, नॉर्मल साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और जितने भी ये चर्म रोग होते हैं शरीर के, उसमें ये हर प्रकार के चर्म रोग में इसका इस्तेमाल, कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग एंटी डेंड्रफ, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, बहुत ज़्यादा खुश्की है, तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर डेंड्रफ बहुत पुराना है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके साथ में कीटोकोनाजोल का शैम्पू भी आता है, उसका इस्तेमाल भी कीजिए साथ में, और साबुन का भी इस्तेमाल कीजिए। और अगर साथ में डेंड्रफ के साथ में आपके सिर में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है साथ में, तो भी इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट होता है। क्योंकि इसको इस्तेमाल करके हमने बहुत से पेशेंट को करके पता किया है कि इसका रिज़ल्ट के बारे में, तो बेफिक्र होकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये आँखों वगैरह में नहीं जाना चाहिए। इसका अकेले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डॉक्टर जो होते हैं इसके साथ और भी मेडिसिन देते हैं, तो जब भी डॉक्टर बताएं तभी इसका इस्तेमाल करना, डॉक्टर को चेक करा के ही इसका इस्तेमाल करना। और इसको सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि इसको लगाने से शरीर में दाने निकलना या फिर रेडनेस आना, जलन होना पूरे शरीर में। तो अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं इनमें से, तो आप इसे तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। धन्यवाद।